समरी नोट्स रहते हैं आपके पास, तो दोनों चीजें रहती हैं. यू कैन रेफर टू इट एंड मोर ओवर यू हैव द सपोर्ट. उसके अलावा जब कभी भी जैसे ऐसा रहता है कि इसका जो रिपीट रहता है उसमें भी यू आर कंसिडर्ड, उसमें यू आर नॉट बीइंग चार्ज्ड फॉर इट. तो इस तरह से एकेडमी का थॉट प्रोसेस अभी तक चलता रहा है एंड मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट. आप में से ऐसे कोई भी है जो अभी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं इस सेशन के थ्रू, यू कैन प्लीज रेज योर हैंड. यस मैम. ओके, प्लीज इफ यू कुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सौमित्रा जी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी प्लीज. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. ओके, सौमित्रा जी आप शायद नए हैं और एक उन्होंने. नमस्कार मैडम. नमस्कार. I am from Kolkata, and yes, I am into business, but I am a professional astrologer as well, but not tarot. ये interest था, join किया है आपके ये session में. बस यही बोलना है और क्या बताइए. Thanks a lot for joining. See, मैंने आपको basics बता दिए हैं how we function and what all benefits you derive from the academy. It's not only tarot, but multiple courses are running, and at simple administrative charges. So whereby it is काफी लोग हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं और उनके experiences रहे हैं कि they have learned, and why we call this a journey because we all are a part of it. And it is learning together. हम लोग शेयर करते हैं, हम लोग लर्न करते हैं, हम लोग ग्रो करते हैं. So this is the process that we follow, right? So to begin with, we'll begin with the prayer. Prayer में सबसे पहले हम गुरु के मंत्र का उच्चारण करते हैं, गुरु का आवाहन करते हैं, और फिर विच इज फॉलोड बाय गायत्री मंत्र. मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट. जिन लोगों को नहीं पता, दे कैन जस्ट फॉलो. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Okay, so now we begin with the session. आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हम ओशो ज़ेन स्टार्ट करने वाले हैं, और ओशो ज़ेन में zen का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज zen, व्हाट इज द स्टेट ऑफ बीइंग इनटू zen, और ये कहाँ से आया. सो वी बिगिन विथ इट. zen अगर आप समझें तो इट इज इन अ वे के आप इसको इस तरह से जान सकते हैं कि हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में, दैट इज बीइंग zen विदाउट ऑल्टरेशन. एक्चुअली zen बुद्धिज्म से डिराइव करता है मोस्ट ऑफ इट्स टीचिंग्स. इसमें हम किसी वर्ड या लिटरेचर को फॉलो नहीं करते हैं. इट बेसिकली बिगैन इन चाइना एंड देन इट स्प्रेड टू कोरिया एंड जापान, और काफी पॉपुलर हो गया हर जगह बाय मिड ऑफ 20th सेंचुरी. एसेंस क्या है zen का? इसका मतलब है कि लाइफ को डायरेक्टली समझना विदाउट बीइंग मिसलेड बाय एनी लॉजिकल थॉट। यहाँ पर हम किसी के भी विचारों को फॉलो करने में बिलीव नहीं करते। ओशो ज़ेन को पढ़ने से पहले ज़ेन टेक्निक्स को समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज कार्ड्स की जो भी इंटरप्रिटेशन होगी वो इसी फॉर्म में हम करेंगे। सो वी शुड परसीव थिंग्स एज दे आर विदाउट ऑल्टरिंग इट विथ आवर लॉजिकल माइंड। जैसा है वैसा ही उसे देखना है और वैसे ही उसे स्वीकार करना है। दैट इज व्हाट ज़ेन इज। ज़ेन एक चाइनीज वर्ड है एंड इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ हिस्सा संस्कृत से लिया गया है विच मीन्स मेडिटेशन। ज़ेन इन अ वे इज साधना, मेडिटेशन जिसे आप कहते हैं। ज़ेन को बहुत लोगों ने मिसअंडरस्टैंड भी किया है। इसमें हर किसी को ये लगा कि एनलाइटनमेंट इज बाय फॉलोइंग समवन। नहीं, आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, आपकी अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी है। तो इसमें क्या है कि वी ऑल आर बाय नेचर, वी ऑल आर डिवाइन। तो जैसे अगर आप देखेंगे ज़ेन विश्वास को फॉलो करेंगे तो वहां वो बोलते हैं कि ऑल बीइंग्स बाय नेचर आर बुद्धा, एज आइस बाय नेचर इज वाटर, अपार्ट फ्रॉम वाटर देर इज नो आइस, अपार्ट फ्रॉम बीइंग्स देर इज नो बुद्धा। तो इसका इनडेप्थ मीनिंग अगर आप देखेंगे, इट मीन्स ईच एंड एवरी सोल दैट इज इनकार्नेटेड ऑन अर्थ has that essence of being Buddha. Zen हमें ये बोलता है कि हम अपने अंदर झांके for enlightenment. अपने बाहर झांकने के लिए जरूरत नहीं है और ऐसे कोई सवाल नहीं है जिनके जवाब हमें बाहर मिलेंगे। We actually need to look inside our own self to find out the answers. And this is what we are going to follow while we are moving ahead in this journey of Osho Zen cards. थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको Zen का इसलिए देना जरूरी था क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होगी। एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर आप देखें एसेंस जो है ज़ेन बुद्धिज्म का, दैट इज बाय अचीविंग एनलाइटनमेंट बाय सीइंग वंस ओरिजिनल माइंड डायरेक्टली विदाउट इंटरवेंशन ऑफ इंटेलेक्ट। यानी कि हम अपने स्वभाव को, अपने आप को खुद से देखें बिना अपने लॉजिकल ब्रेन के। सो दैट इज द पोजीशन वेयर वी आर इनटू दैट ज़ेन स्टेट। वो साधना की वो सीढ़ी है जहां हम खुद को समझ पाते हैं, खुद को देख पाते हैं बिना लॉजिकल माइंड के इंटरवेंशन के। नाउ ज़ेन ज्यादातर कंसर्न्ड है कि एक्चुअली है क्या, इससे परवाह नहीं कि आप क्या चाहते हैं। जो चीज जैसी है, जैसी दिखती है वैसी ही है और उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। So, to be a human being is to be Buddha. Buddha का जो nature है is another name for human nature. Zen is simply to be completely alive. And when you are completely alive, you have your physical body, you have your senses, so you are using it. ज़ेन कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। वो बस हमारे जो इंटेलेक्ट है, जो हमारा माइंड है, उसको शब्दों के जाल से अलग करने में बिलीव करता है व्हेन वी आर बिल्डिंग दिस लॉजिक। सो ज़ेन एज आई सेड इज फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम बॉन्डेज। किसी भी बॉन्डेज से खुद को आजाद करना ज़ेन है। दैट इज द स्टेट। एक साधना है, एक मेडिटेशन है। अब अगर हम बात करेंगे ओशो ज़ेन की, तो ओशो ज़ेन के जो कार्ड्स हैं, ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने इन्फेंट स्टेज से गौतम बुद्ध बनने तक जितने कदम लिए, आगे और पीछे की ओर हर डायरेक्शन में, वो मिला के बने आपके माइनर आर्काना। सो इट इज सेड that he took 7 steps in each cardinal direction, front ways and back ways. So 7, 7, 14, 14 into 4, क्योंकि 4 cardinal directions हैं, north, east, south and west. तो चारों directions में उन्होंने 14 steps लिए, तो total कितने steps ले लिए उन्होंने? 14 into 4, which is 56. तो ये बन गया आपका minor arcana. अब अगर हम बात करें मेजर आर्काना की, तो टैरो सिस्टम बहुत एंशिएंट टाइम से है, इजिप्शियन कंट्रीज में बहुत फॉलो होता था। इसकी लैंग्वेज, इसकी सिंबॉलिक लैंग्वेज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल थी, एंड देन दे हैव बीन प्रूफ्स ऑफ कनेक्शंस विद एंजल्स एंड डिवाइन सोर्सेस यूजिंग टैरो। तो उन्होंने इसी पैटर्न को और फॉलो किया। तो उन्होंने क्या किया कि 0 to 21 जो 22 कार्ड होते हैं मेजर आर्काना के, वो उन्होंने बनाए, फूल कार्ड से लेकर कंप्लीट कार्ड। उसके अलावा एक कार्ड उन्होंने और रख दिया, विच इज द मास्टर कार्ड, जो हम आपका पुराना एंशिएंट टैरो करते हैं राइडर वेट्स का। उसमें क्या होता है कि जब हम कंप्लीट स्टेट पे पहुंचते हैं मेजर आर्काना की, That is when we are on the world state. तो उसके बाद एक spiral है which shows कि हमारी journey दोबारा से शुरू होती है from zero, यानी कि फूल से। लेकिन ओशो के बिलीफ सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है। उनका मानना है कि अगर आपने अपनी जर्नी फूल से शुरू करके मास्टर तक पहुंचा दी है, कंप्लीट तक पहुंचा दी है, तो वहां से फिर स्पाइरल नहीं बनेगा। वहां से देन योर जर्नी इज कंप्लीट, यू हैव एक्चुअली एनलाइटन्ड योरसेल्फ। सो दैट इज द बिलीफ सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू फॉलो थ्रू आउट दिस जर्नी। इस जर्नी में, ये जर्नी हमारी 1 मंथ की जर्नी है। हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू कवर द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज कार्ड्स, दे आर 79 इन नंबर। We are going to cover the interpretation, इन्हें हम कार्ड्स को जानेंगे और समझेंगे। Moreover, इसके बाद इन कार्ड्स को हम स्प्रेड कैसे करें और इनके थ्रू रीडिंग्स कैसे करें, चाहे वो रीडिंग्स प्रेडिक्टिव हो, चाहे गाइडेंस के लिए हो, we are going to follow that also. So this will be what will be covered throughout this journey. So any questions related to this before we begin with the main journey? मैम, आपने जो मेजर आर्काना बताया था, उसके अंदर आपने बताया था कि फूल से जर्नी शुरू होकर स्पाइरल पे जाती है, लेकिन जब हम मास्टर पे चले जाते हैं तो वो स्पाइरल पे ना जाके वहीं पे एंड हो जाती है, वो आपकी एंड हो जाती है। हाँ, वो एनलाइटनमेंट एज पर ओशो बिलीफ सिस्टम। ओके मैडम। यस सर। जस्ट थोड़ा से एक बार और स्पाइरल सिस्टम बता देंगे आप? जी सर। देखिए, राइडर वेट्स में या एंशिएंट टैरो में जब कार्ड्स मेजर आर्काना के शुरू होते थे, तो फूल कार्ड से जर्नी शुरू होती थी, विच वाज 0 नंबर कार्ड, एंड इट यूज टू एंड एट वर्ल्ड कार्ड, जहां पे वर्ल्ड कार्ड की अगर आप इमेज देखते थे तो वहां पे एक ऐसे करके सर्कल था जिसके अंदर एक अपलिफ्टेड लेडी थी विथ अ वॉन्ड इन हर हैंड। सो दैट इमेज शोर्स कि वहां से अपलिफ्ट होके अब दोबारा से जर्नी फूल से शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो पूरा सर्कल में था। सो दैट कंटिन्यूज, दैट सर्कल कंटिन्यूज। इन केस ऑफ ओशो ज़ेन, इन्होंने क्या किया है, कंप्लीट कार्ड जो है वो दिखाता है कि आपने वो जर्नी कंप्लीट कर ली, और जैसे ही आप मास्टर कार्ड पे आते हैं दैट मीन्स कि वो एनलाइटनमेंट हो गया। क्योंकि यहाँ पे बिलीफ सिस्टम क्या है कि हम अपने लॉजिकल माइंड में कुछ ऑल्टरेशन नहीं करेंगे, We are going to accept things as they are, because it is believed that every being is a form of Buddha. So every human being is divine and has got that enlightenment within. बस जरूरत है अंदर झांकने की. So that is the belief system that we are going to follow throughout this journey. Okay, madam. Very clear. Thank you. Right, sir. Okay, so we'll start with the introduction of major arcana, जिसमें हम आज कुछ cards को जानेंगे, and then we'll open this session for question and answers, right? So I'll just share the screen so that you're able to see the cards also, how they look like and how we are going to interpret. मैम राइडर वेट के जैसे बिलीफ सिस्टम अलग है, अब इसका अलग है. हाँ. नहीं कि हम जैसे राइडर वेट कर ही रहे हैं और इसको करने के बाद कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे कि हम कौन से सिस्टम को बिलीव करें. मैम मेरा पर्सनल बिलीफ है कि आज तक मैं कंफ्यूज नहीं हुई. एक रीजन आपको और बताती हूँ कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, इवन फॉर रीडिंग. मेरे पास रीडिंग कराने ऐसे कई लोग आते हैं जो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं बुद्धिज्म या जैनिज्म में. तो ऐसे क्लाइंट्स के लिए आई प्रेफर गोइंग इन फॉर ओशो ज़ेन कार्ड्स रादर देन टेकिंग राइडर वेट्स, क्योंकि वो उनके बिलीफ सिस्टम से मैच करता हुआ रहता है. तो उन्हें रीडिंग में ये कन्वीनियंट भी लगता है, वो अपना कनेक्ट ढूंढ पाते हैं. इसमें दोनों का क्लब नहीं हो सकता ना, मतलब नहीं, इसमें दोनों का क्लब नहीं हो सकता, भी एक लेना पड़ेगा. देखिए वो तो पता है क्या होता है, जब आप रीडिंग करते हैं सो टाइम टू टाइम योर इंट्यूशन आल्सो गाइड्स यू कि आपको कब कौन सा कार्ड लेना है, कब कौन सा डेक आपको चूज करना है. सो दिस हैपेंस. गाइडेंस मांगता है तो मैं सीधा साईं बाबा कार्ड पकड़ती हूँ. हाँ, तो दैट इज बिकॉज यू कनेक्ट देयर, राइट? अब इसी को जैसे आप बड़े प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं, तो बड़े प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, व्हेन यू आर एक्चुअली सिटिंग ऑन अ टेबल और मल्टीपल डेक्स रखे होते हैं, कई बारी आपके क्वेरेंटी सामने से आके बोल देते हैं मुझे ये वाले डेक से रीडिंग चाहिए, एंड यू फेस दिस सिचुएशन. क्योंकि आप जैसे जैसे ग्रो करते जाएंगे इस जर्नी में, ये चीजें आपके पास होंगी. अब एक बहुत सिंपल सी चीज है कनिका जी, देखिए हम अपनी किचन में जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं टू प्रिपेयर, बट वी डोंट गेट मिक्स्ड विद दाल एंड वेजिटेबल. दैट इज वेरी बेसिक थिंग. हमें पता है किस चीज को कैसे कुक करना है. द सेम मेथड इज नॉट अडेप्टेड फॉर एवरीथिंग. इट इज सिमिलर विथ हेयर ऑल्सो. यू हैव डिफरेंट टूल्स अवेलेबल इन योर हैंड, जहां जिसको जरूरत है उस हिसाब से. एग्जैक्टली, आपको सामने वाले की जरूरत के अनुसार उसको वैसे ही गाइड करना है, राइट? सो वी मूव अहेड फॉर द फर्स्ट कार्ड. एम आई ऑडिबल क्लियरली? ओके then Adrian ji, I guess you need to check your connection, क्योंकि आपका सिर्फ आप ही को problem आ रही है. Everyone is able to hear me. Okay, so we move on to the next form of the journey. आज हम introduction में major arcana cards को अलग एंगल से देखेंगे. अब यहां से हम ओशो ज़ेन का कंसेप्ट लेकर चलेंगे, उन्हीं का बिलीफ सिस्टम मान के चलेंगे. यहां पे अब आप देखिए जो पहला कार्ड है, इसको नंबर दिया है 0. कार्ड में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो टाइम है, ऊपर स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, देयर इज अ क्रेसेंट मून, फिर बीच में ऑरेंजिश बैकग्राउंड है, एंड दिस पर्सन इज ऑन अ क्लिफ जहां से अगला कदम उसको नीचे की ओर ले जा रहा है. ये इस तरह से खड़ा है. तो अगर आप यहां से इस कार्ड को देखेंगे तो आपको लगेगा देखने पे ये तो नीचे गिर रहा है, इसने शायद अगला कदम ध्यान से नहीं रखा, शायद इसने बिना सोचे कुछ कर दिया। कुछ ऐसा डिपिक्ट होता है इस कार्ड को देखने से। इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं हम, व्हाट दे हैव टू से। इट इज मोमेंट टू मोमेंट एंड विथ एवरी स्टेप, हर कदम के साथ और हर पल के साथ फूल जो है अपने पास्ट को पीछे छोड़ते जाता है। वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाता। फूल कार्ड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है टैरो में? क्योंकि फूल कार्ड एक इनोसेंस का कार्ड है, एक प्योरिटी का कार्ड है। इतनी प्योरिटी आपको और किसी कार्ड में नहीं मिलेगी। आपके सामने कोई क्वेरेंट आके बैठे हैं और उनके लिए अगर आप ये कार्ड निकालते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि उनकी एनर्जीज एकदम प्योर और इनोसेंट है। इनको अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, इनके हाथ में एक वाइट रोज है और जो उनके वेस्ट कोट के आप देखेंगे, ये देखिए आप, अलग अलग कलर्स हैं। आगे चल के हम ये जानेंगे माइनर आर्काना जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सूट कार्ड्स को इन कलर के डायमंड से सिग्निफाई किया गया है। वेयर ब्लू डायमंड सिग्निफाइज वाटर एलिमेंट यानी कि इमोशंस, आपका ग्रे डायमंड क्लाउड्स को यानी कि एयर को सिग्निफाई करता है, एयर एलिमेंट को, हमारे विचारों को। जहां रेनबो एलिमेंट आप देख रहे हैं ना, कुछ डायमंड्स रेनबो में बने हुए हैं, ये देखिए, देख पा रहे हैं? इनकी शर्ट देखिए, ये जो फूल की शर्ट है, आई होप यू आर एबल टू सी मैम। कल यस मैम, लेकिन कलर्स क्या डिपिक्ट करते हैं दोबारा बता दीजिए। देखिए जो नीला रंग है, नीला रंग किसका होता है? पानी का। पानी यानी कि हमारे इमोशंस। अब चाहे आप इसे एस्ट्रोलॉजिकली लिंक करें तो भी चंद्रमा यानी कि पानी यानी कि इमोशंस, मानसिक स्थिति, राइट? ऐसे ही ग्रे, ग्रे कलर डिपिक्ट करता है किसको? ग्रे कलर डिपिक्ट कर रहा है एयर एलिमेंट को। एयर एलिमेंट यानी कि हमारे विचार, हमारे थॉट्स। फिर रेनबो कलर, रेनबो कलर डिपिक्ट कर रहा है अर्थ एलिमेंट को, जैसा कि राइडर वेट्स में है पेंटिकल्स को, अर्थ एलिमेंट को डिपिक्ट कर रहा है रेनबो कलर। और वैसे ही आप देखेंगे रेड कलर भी है। रेड कलर डिपिक्ट करता है फायर एलिमेंट को। फायर एलिमेंट यानी कि आपकी इच्छाएं, आपके पैशंस, इन सब चीजों को डिपिक्ट करता है। अब इनके हाथ में देखिए, एक हाथ जो ऊपर की ओर है उसमें एक सफेद रंग का गुलाब है। ये सफेद रंग का गुलाब ही दिखाता है कि इनके थॉट्स एकदम प्योर हैं, एकदम इनोसेंट और प्योर थॉट्स हैं। तो ये ऐसे सिंबल्स हम आगे के कार्ड्स में भी पकड़ेंगे और इन सिंबल्स से हम बहुत कुछ सीखेंगे। अब इसमें ये पता लगता है, क्योंकि चारों रंग उनके ऊपर शर्ट पे है, तो इसका मतलब है कि वो उस पूरे सिचुएशन में हार्मनी में है, मतलब बैलेंस में है। उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी चल रही है। इस मोमेंट पे फूल के पास यूनिवर्स का सपोर्ट है, तभी तो वो एक अनजान खाई की ओर कूद रहे हैं या एडवेंचर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। अब इस कार्ड का मतलब क्या है? अगर आपके पास ये कार्ड आता है तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि समय है आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। अगर आपकी गट फीलिंग किसी चीज के लिए कह रही है कि ये सही है, तो अपनी गट फीलिंग को फॉलो कीजिए। कुछ भी गलत नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। प्योरिटी है थॉट्स में, इनोसेंस है। फिर आपके एक्शंस दूसरों के लिए ऐसा लगेगा कि यू आर बिहेविंग फूलिशली, जैसे हमें लगा कि ये तो कूद रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जीरो प्लेस जो कि फूल ने ऑक्यूपाई की है, ये नंबरलेसनेस है, जहाँ पे ट्रस्ट और इनोसेंस गाइड करता है। कोई इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि यही ओशो का मानना है, शून्य तत्व, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, कंप्लीटली यूनिवर्स के हाथ में. सो दैट इज व्हाई दे आर आस्किंग यू टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन. अब अगर हम इसी कार्ड में ओशो की टीचिंग्स को देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, फूल वो इंसान. सो अ फूल इज हु? अ फूल इज एक ऐसा इंसान जो किसी, हाँ जी आपका आवाज, हाँ जी क्लियर नहीं, अभी आ रहा है, हाँ ओके. फूल एक ऐसा इंसान है जो विश्वास करता है और बार बार विश्वास करता है, चाहे उसके एक्सपीरियंसेस कितने भी अगेंस्ट रहे हो, वो फिर भी विश्वास करेगा. उसे धोखा मिलेगा, वो फिर से विश्वास करेगा, और ये साइकिल कंटिन्यू होती जाएगी. तभी तो वो फूल है, क्योंकि वो सीखता नहीं, वो ट्रस्ट करता जाता है, ट्रस्ट करता जाता है. एंड ही इज वेरी प्योर, इतना प्योर है कि उसको कोई करप्ट नहीं कर सकता, कोई खराब नहीं कर सकता है उसको. तो आप अगर एक तरीके से फूल बनते हैं ज़ेन सेंस में, तो नॉलेज की दीवार को अपने आसपास मत खड़ा कीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंसेस से जो इंसान आगे बढ़ता है वो नॉलेज से नहीं बढ़ता है. तो अपने माइंड को कंटिन्यूसली क्लियर करते चलिए, पास्ट से बिल्कुल क्लियर करते चलिए, बिल्कुल ऐसे के एज इफ एवरी फ्रेश मोमेंट यू आर अ न्यू बॉर्न बेबी जिसने अभी एक्सपीरियंसेस लेने हैं. स्टार्टिंग में ओशो कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग आपका फायदा उठाते हैं, पर वो लोग खुद नहीं जानते कि दे आर द पुअर वंस. अगर आपको धोखा भी मिलता है, आपके साथ कुछ बुरा भी होता है, इट इज लेट इट हैपन, क्योंकि जो आपका है उसको ना तो कोई चोरी कर सकता है और ना ही उसे कोई आपसे छीन सकता है. तो हर बार जब आप सिचुएशंस को खुद को करप्ट नहीं करने देते, तो ये अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि आप अंदर से ग्रो करते हो, योर सोल ग्रोस. तो एक्चुअली आपकी सोल क्रिस्टल बन जाती है, एक प्रेशियस क्रिस्टल का फॉर्म ले लेती है. So this is what Osho's teachings are. Practically, अगर आप आज की लाइफ में देखो तो आप किसी से अगर बोलेंगे ना कि एक बार ही धोखा खाया, कोई बात नहीं, बार बार खा लो, तो वो कहेगा कि अरे आप क्या गाइड कर रहे हो. बट ओशो की टीचिंग्स यही है कि आप अपनी मिस्टेक्स से, अगर आपके अंदर का जो सोल है वो करप्ट नहीं होता है, तो दैट मीन्स योर सोल इज ग्रोइंग. It is growing every moment. So that is what Osho is trying to convey. ये कार्ड जिन लोगों ने राइडर वेट्स कर रखे हैं, अगर आप इंटरप्रिटेशंस देखेंगे तो दोनों के इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट है. तो आप उसको, अगर दोनों मिथ्स को आप कंपेयर करके स्टडी करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से लर्न भी हो जाते हैं. सी एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वे, लाइक राइडर वेट्स के फूल इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट है, ओशो ज़ेन के अलग है. वरना इफ यू वांट टू फॉलो ओशो तो कंप्लीटली इसके टीचिंग्स को समझिए. इसके टीचिंग्स को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपकी रीडिंग्स कभी भी गलत नहीं आएंगी, आप बहुत क्लियरली सामने वाले को समझा पाएंगे. सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड. एग्जिस्टेंस कार्ड। मैम एक मिनट, ये इसके जो इसके स्टार है, मून है, व्हाइट कलर का माउंटेन है, इसका कुछ होता है क्या प्रेडिक्शन में, उसको यूज करना है? देखिए मैम, मल्टीपल स्टार्स है। हाँ, स्टार्स का क्या होता है कि उनके खुद की रोशनी होती है। हाँ, वो किसी और से रोशनी उधार नहीं लेते। वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि हम लॉजिक और एक्सपीरियंसेस से गेन नहीं करते, हम अपने एक्सपीरियंसेस को करप्ट नहीं करने देते, हमारी खुद की रोशनी ग्रो करती है। राइट और जैसे नाइट है। हाँ जी, ये डे में है या नाइट है? अगर हम पहाड़ को देखें तो वहां लग रहा है कि सूरज उग रहे हैं, उस टाइप के कुछ, और अगर हम ऊपर आसमान में देखते हैं तो वो रात जैसी लग रही है। मैम आप अगर ये पूरा पिक्चर एज अ होल देखें तो नीचे आपको वैली भी दिखेगी, कलर्स भी हैं, रिवर भी हैं, और जैसा कि इस कार्ड में बताया कि पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड इसके सपोर्ट में खड़ा है, तभी तो ये अपना पैर नीचे रख पा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि पूरा ब्रह्मांड उसे संभाल रहा है। तो आप देखिए ना, सारी सेलेस्टियल बॉडीज इसको सराउंड कर रही हैं। आप देखिए, तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, देन यू कैन इवन सी कॉमेट। बैक साइड में पहाड़ों के ऊपर देखिए कॉमेट भी है, पहाड़ भी हैं। तो सारे एलिमेंट्स जो कि रिलेटेड हैं, वो सारे एलिमेंट्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी जर्नी को। चाहे वो इसको मैम हम ब्रह्म मुहूर्त भी बोल सकते हैं कि बिगिनिंग ना, उस टाइम पे आधी रात भी रहती है और सूरज भी आने को होता है, तो वो वाला टाइम। यस मैम, हमें भी ऐसे ही लगता है। और इसमें तभी कहा गया है कि हमेशा अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त हर काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट मुहूर्त होता है। कोई भी शुभ कार्य के लिए ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं उसे शुरू कर दीजिए। मैम ये जैसे पर्सन है, तो अगर हमारे पास कोई आता है और ये जो सिचुएशन आएगी, तो हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि अगर वो ये कदम बढ़ा रहा है तो आगे में भी शायद नीचे गिरे। देखिए मैम, वो हम तब लेते अगर डेक डिफरेंट होता। अगर हम ओशो ज़ेन की बिलीफ सिस्टम के हिसाब से चले तो ये अपनी इंट्यूशन और यूनिवर्स की एनर्जीज पे बिलीव रखते हुए कदम आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है? हाँ, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे उसको यूनिवर्सल सपोर्ट मिल रहा है। तभी तो इस कार्ड की सिंपल गाइडेंस है कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। आपकी इंट्यूशन जो कहती है आप उसको ट्रस्ट कीजिए। और उनका फेस भी एकदम एकदम ग्लो और स्माइली लग रहा है, ऐसे नाराज है, उदासी वाला नहीं लग रहा है। ये इसमें बोल रहे थे तो मैम इस केस में तो हम इसको ले ही नहीं सकते ना, ये फुल स्टेप है, ये तो मतलब इन्होंने डेलिब्रेटली रखा है, तो वो स्माइलिंग है, यही चीज मैं कहने वाली थी अभी। सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग ना, कि यूनिवर्स सपोर्ट में है एंड दिस पर्सन नोज इट। मैम ये पूछना चाह रहे थे, अगर वो फूल कार्ड होता है जो मैंने वो नहीं किया राइडर वेट्स, तो उसमें भी सेम पिक्चर डिपिक्ट करती है या अलग वेरी करता है? नहीं, वेरी करते हैं, चीजें इससे डिफरेंट है, सिंबल्स डिफरेंट है, वो आवाज कट रही है, तो पूरा एक अलग ही चैप्टर है। मैम जैसे यस या नो का जब क्वेश्चन होगा तो ये कार्ड तो यस होगा ना? एग्जैक्टली ये यस कार्ड में आएगा। मैम आप सारे कार्ड के यस नो बताएंगे ना हमें? वो तो आप खुद देखिए, इनिशियली मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीजें आपके अंदर इवॉल्व होने लग जाएंगी कि आप खुद तुरंत से जवाब देंगे कार्ड को देखते ही। ओके मैम, क्योंकि हम जितना इन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं ना, उतना ये हमसे बातें करती है। मैम ये क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है ना? देखिए हाँ, बहुत हद तक क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बट देन फूल कार्ड को एक पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। मैम यस कार्ड्स मीन पॉजिटिव कार्ड्स एंड नो मींस नेगेटिव, मतलब यस और नो इज आंसर। सो देखिए कुछ सवाल हमारे ऐसे होते हैं ना कि सपोज किसी का इंटरव्यू है, अब उसने 2 ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरव्यू है, तो वो आपसे पूछने आए क्या मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए। आपने फटाफट कार्ड शफल करके एक कार्ड निकाला एंड यू कुड सिंपली आंसर इन यस और नो। ओके, तो मैम ये वाला कार्ड आएगा तो हम ये नहीं कहना चाहिए तो मतलब अपनी प्रेडिक्शंस को देखो, आपको लगता है जाना चाहिए तो जाओ ना, नहीं अगर उसको लग नहीं रहा तब भी वो इंटरव्यू पे जा रहा है बट उसको जो चाहिए वो नहीं है, नहीं तो इसमें अगर ये कार्ड आ रहा है इसका मतलब है यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ, इसका मतलब है स्ट्रांगली यस कि पूरा यूनिवर्स आपको वो अचीव करने में हेल्प कर रहा है, तो वेरी स्ट्रांग यस कार्ड। यस, ओके मैम, थैंक यू। राइट, सो नेक्स्ट कार्ड इज एग्जिस्टेंस कार्ड। अब इसमें भी आप देखिए आपको ऐसा लगेगा कि पूरे कॉस्मोस की जैसे एनर्जीज आ रही है इस कार्ड में, स्टार्स हैं, अलग अलग शेड्स आपको दिख रहे हैं स्काई के। फिर आपको दिखेगा एक बर्ड पूरी तरह से खिली नहीं है, एक बर्ड खिल रही है एंड देन यू सी अ फीमेल फिगर। तो बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है। जब कुछ एग्जिस्टेंस होता है, जब कोई भी चीज का एग्जिस्टेंस आता है तो वो एग्जिस्टेंस इसी स्टेट से आता है जहां पर सब कुछ पूरा यूनिवर्स आपके एग्जिस्टेंस के लिए सपोर्ट कर रहा है। एंड व्हेनेवर यू आर बोर्न, व्हेनेवर एनीथिंग जर्मिनेट्स और इज बीइंग बोर्न, देन इज बोर्न इन अ वेरी रॉ एंड अ प्योर फॉर्म। तो इसीलिए ये जो फीमेल फिगरीन है यहाँ पर आपको कपड़े नहीं दिखेंगे। सो लेट्स गो टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कार्ड। आप इसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे अगर ये कार्ड आता है तो। दिस नेकेड फिगर सिट्स ऑन द लोटस लीफ ऑफ परफेक्शन। लोटस लीफ पे ये बैठे हैं और ये नाइट स्काई की ब्यूटी को गेज कर रही है। शी नोज दैट होम इज नॉट अ फिजिकल प्लेस इन आउटसाइड वर्ल्ड बट एन इनर क्वालिटी ऑफ रिलैक्सेशन एंड एक्सेप्टेंस, एंड दिस इज द एसेंस। एग्जिस्टेंस कार्ड का मतलब ही यही है। हम लोग सब जगह घूमने जाते हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग, कहीं भी आप घूमने जाएं, आप अपने फेवरेट स्पॉट पे भी जाएं, फिर भी क्या होता है आप घर पर आते हैं और आप कहते हैं फाइनली घर आ गए, रिलैक्सेशन अपने घर मिलता है। ये लाइंस बहुत कॉमनली आपने सुनी होगी। तो ये क्या बताती हैं? ये हमने दिमाग से बनाया है। होम कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, होम वो जगह है जहां आपको रिलैक्सेशन और एक्सेप्टेंस मिलता है। जैसे आप है वैसे आपको एक्सेप्ट किया जाता है। दैट प्लेस इज एक्चुअली होम। जो आप स्टार्स देख रहे हैं, रॉक्स देख रहे हैं, ट्रीज देख रहे हैं। मैम आवाज की प्रॉब्लम आ रही है आपकी। Yes, is it बीच-बीच में क्या क्रैक कर रही है? हाँ जी मैम, आपका नेटवर्क। हाँ मैम, I'll just switch the network then. Just give me a moment. I'll switch the network. Just give me a moment. Okay, now is my voice clear? Yes, ma'am. Yes, madam. Okay. Okay. So, what I was saying is कि जो हमारा ये वाला कार्ड है, ये कार्ड हमें बताता है कि घर जो है, घर कोई फिजिकल प्लेस नहीं होती है। आप देखेंगे हर किसी के लिए घर का आइडिया अलग होता है। हम लोग कहते हैं घर का मतलब है परिवार। Why? Because you are accepted there. आपको एक फीलिंग रहती है सिक्योरिटी और रिलैक्सेशन की, तो वो किसी जगह पे निर्भर नहीं करता उतना जितना उन लोगों से निर्भर करता है। और ये लोग कितने हैं, ये लोग जितने भी हमारे आसपास हैं, चाहे हमारे सिबलिंग्स हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, तो ये इन सब की भी एक जर्नी है। ये भी यहाँ किसी पर्पस के लिए आए हैं और हम हमेशा ये चीजें भूल जाते हैं। हम लग जाते हैं अपने प्राइवेट एजेंडास में और हमें क्या चाहिए, हम उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो आवर सेंस ऑफ सेपरेटनेस इज जस्ट एन इल्यूशन। ये हमारे दिमाग की उपज है कि हम अलग हैं, हम अलग नहीं हैं। नाउ आप अपने आप को कितना अलाउ कर रहे हैं टू रिसीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट ऑफ फीलिंग एट होम वेर एवर यू आर। आप कहीं भी हैं तो वहां पर अगर आपको एट होम वाली फीलिंग आती है, सो दैट इज हाउ मच यू आर अलाउइंग योर सेल्फ। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर टाइम लीजिए और इस फीलिंग को अपने साथ रहने दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं फील कर पा रहे हैं, देन इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। बाहर जाइए, लुक एट द नेचर, सी द स्टार्स गेजिंग, ये सब कीजिए सो दैट यू कैन कनेक्ट। आपने अगर जितने भी हमारे पौराणिक कथा थी या जो भी था, उन सब में ये चीज रहती थी कि पीपल यूज्ड टू स्टे इन देयर फैमिली एंड विद देयर फैमिली अंटिल अ सर्टेन एज। उसके बाद वो लोग सब कुछ छोड़ के चले जाते थे और जहाँ कहीं भी रहते थे उसको ही अपना घर मान लेते थे, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो एक छोटी सी हट हो। सो दे नेवर फेल्ट दैट अनकम्फर्ट। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि वो कंफर्टेबल नहीं है या वो अपने घर में नहीं है। सो दैट इज द स्टेट व्हाट दिस कार्ड इज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट, कि घर एक फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। पूरा संसार आपका घर है, बस आपके लिए मानने की देर है कि वो भी आपका घर है। अब इसमें अगर हम ओशो की टीचिंग्स को समझेंगे तो ये समझिए कि यू आर नॉट एक्सीडेंटल। आपकी एग्जिस्टेंस एक्सीडेंटल नहीं है। एग्जिस्टेंस को आपकी जरूरत है। आपके बिना कोई चीज ऐसी है जो मिस हो जाती, तभी ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है और आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि आपका खुद का एक एजेंडा है, एक पर्पस है। तो इसलिए आपको खुद को वो डिग्निटी देनी है कि पूरी एग्जिस्टेंस आपको मिस करेगी, आप इतने इम्पोर्टेंट हो। चाहे स्टार्स हैं, चाहे मून है, चाहे सन है, ट्रीज, बर्ड्स, अर्थ, हर चीज के लिए एक छोटी सी जगह ईश्वर ने तय कर रखी है। उसी तरह से आपके लिए भी एक जगह तय की थी और आपके बिना ये काम पूरा नहीं हो सकता था। तो जब आप ये रियलाइज करेंगे, आपके अंदर एक अलग ही जॉय की भावना भर जाएगी, एक खुशी की भावना भर जाएगी कि आप एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हैं, कि एग्जिस्टेंस आपकी परवाह करता है। कॉस्मोस इज केयरिंग फॉर यू, यूनिवर्स इज केयरिंग फॉर यू। और जब आपके थॉट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके पूरे विचार एक पॉजिटिव लेन में पढ़ने लगेंगे, then you will realize the tremendous love falling on you from all dimensions. हम लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है that we are not being loved, we are not being honored. हम यहाँ क्यों हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग खोज रहे हैं, अभी भी खोज रहे हैं कि उनके जीवन का पर्पस क्या है। लेकिन हर चीज का एक नियमित समय रहता है, समय से पहले कभी भी कुछ सामने नहीं आता है। आप जिस दिन इस पे विश्वास कर लेंगे कि आपकी एग्जिस्टेंस उतनी ही जरूरी है जितनी हर चीज की है, उस दिन आपको हर चीज का जवाब मिलने लगेगा। राइट, सो दिस इज व्हाट ओशो हैज टू से अबाउट दिस कार्ड। अब इससे रिलेटेड आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, हमने अभी 2 कार्ड्स किए हैं, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज डू आस्क। इस कार्ड को हम कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं ना, जैसे वो टूटता हुआ तारा, जैसे मेरे सबसे पहले उसी में नजर गया, तो हम लोग बोलते हैं आप टूटते तारे को देख के आप जो विश मांगोगे वो पूरा होता। तो इट कुड बी, वी कैन से दिस इज अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, ऐसा भी है। एक तरीके से देखेंगे वो हो सकता है हमारे साथ। एग्जैक्टली, वो होता है तो हमारी सोच जैसे बनाएंगे, जो विश करेंगे, है ना। ये चीज है ना मैम, पॉजिटिव कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। और मेडिटेशन कर रहे हैं ऐसे दिख रहे हैं ना मैम। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको जितनी भी ये जर्नी दिखेगी, इसमें सेल्फ रियलाइजेशन ज्यादा दिखेगा, जहां पे आप अपने अंदर झांक के उन चीजों को बाहर निकालेंगे जो अभी तक आप बाहर खोज रहे थे। See, why I recommend this study is not only for the purpose of reading, but for your own self, कि आप अपने अंदर एक बारी झांक के उन सारी चीजों को रियलाइज कीजिए। It transforms your life. बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो इसमें हम नंबर्स को यूज नहीं करेंगे क्या, जैसे हम दूसरे उसमें नंबर्स को भी क्लब करते हैं, उससे भी हम अपना इंट्यूशन लगाते हैं, इसमें करेंगे क्या? इसमें नहीं मैम, इसका पूरा सेट ना, इसका बिलीफ सिस्टम पूरा ही अलग है मैम। ये भी इस कार्ड है पॉजिटिव जी मैम, ये भी इस कार्ड की तरह कंसीडर कीजिए, ये भी इस कार्ड है। हां जी सर, मुझे लग रहा है आई एज फार एज आई अंडरस्टैंड अप टू नाउ दैट दीस कार्ड्स आर हेल्पफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, राइट, मोर देन प्रेडिक्टिव पार्ट, राइट, प्रेडिक्टिव एग्जैक्टली इसमें कम है, ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में ये ज्यादा हेल्पफुल है सर। ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में हेल्पफुल है, मोर ओवर प्रेडिक्टिव ये होते हैं व्हेन दे आर अ फॉर्म ऑफ स्प्रेड। इंडिविजुअली आप हर कार्ड को देखें, चाहे राइडर वेट्स ले लें आप, चाहे ओशो ज़ेन ले लें, चाहे आप कोई कार्ड ले लें, तो हर कार्ड हमें कोई ना कोई शिक्षा देता है। बट अगर हम उसे एक स्प्रेड के फॉर्म में बिछाते हैं तो वो कहानी बनाता है, एंड दैट स्टोरी इज बेसिकली द प्रेडिक्शन पार्ट, राइट। आई इज आस्किंग बिकॉज एंजल कार्ड जब मैं करता हूँ तो वो गाइडेंस ज्यादा देता है मुझे, रादर देन यस और नो और एनी प्रेडिक्टिव, मुझे ज्यादा गाइडेंस देता है एंजल कार्ड्स। एंजल कार्ड्स तो गाइडेंस देते हैं सर, साई बाबा कार्ड्स भी गाइडेंस देते हैं. ओशो ज़ेन इज कंप्लीटली प्रेडिक्टिव एंड गाइडेंस भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है. प्रेडिक्टिव पार्ट विल अंडरस्टैंड लेटर थ्रू द स्प्रेड्स. ओके, यस सर, थैंक यू मैम. हाँ जी सर. Ma'am, do you recommend reading the life story of Osho to connect with this one? Not exactly. Not really required. Not required. See, because इन्होंने खुद ये माना है कि हर मनुष्य में बुद्धा का एक अंश है. So they themselves believe that every soul has an individual journey, and it is their journey to peep inside themselves and bring out that Buddha from themselves. तो वो हर किसी के experiences different है, and they very strongly say that you don't need to follow anyone. Thank you. बीना जी. मैम, टैरो कार्ड्स आप प्रोवाइड करोगे कि हम लोग कैसे बाहर से परचेज करें ये अपने ओशो ज़ेन के कार्ड्स? ओशो ज़ेन के कार्ड्स आपको मिल जाएंगे. इसके डिटेल्स अभी मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगी. आप इसके लिए करके कुछ ऐसा कुछ करके देंगे कि आप सिखाएंगे सब कैसे चार्ज करना है, क्या है? नहीं, दैट आई विल टीच यू हाउ टू गेट अट्यून टू योर कार्ड्स. वो तो पूरा इसमें कवर होता है कि आप अपने कार्ड्स को कैसे खुद की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे. मैडम, आज कार्ड तो मुझे इसकी कॉस्ट क्या रहती है? इसके डिटेल्स मैं ग्रुप पे शेयर करवा दूंगी. मैडम, जो इसकी क्वालिटी जो मेरे पास कार्ड है उसके जैसी नहीं है, प्रिंटिंग थोड़ी स्प्रेड हो गई. सर, आप एक बार ही इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं सर से. जी राखी जी, आपका क्वेश्चन. मैम, ये पूछ रहे थे कि जैसे किसी का क्वेश्चन होता है, आप अभी कहते हैं यस नो, मैम इसमें तो मेनली गाइडेंस भी तो है, तो हम उसको क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करके, जैसे फर्स्ट वाला कार्ड तो क्लियर है, बट मैम हमें इसमें समझ में नहीं आ रहा कि किसी को कोई क्वेश्चन होता है, आपको एग्जाम्पल पुटअप कर सकते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है कि ये कार्ड्स जब आते हैं, अभी हम ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में इन्हें इंटरप्रिटेशन के अलावा इनको एक साथ रीड करना सीखेंगे. और जैसे हम इन्हें रीड कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में होता है. सपोज आप किसी जर्नी पे जा रहे हो और आपका अंदर से मन नहीं कर रहा जाने का, ठीक है, अब उस सिचुएशन में क्या है, आपको लगता है कि एक बारी मैं कार्ड से गाइडेंस ले देती हूँ. तो आप कार्ड से पूछते हैं अगर कि जाना चाहिए या नहीं, तो वहां पे अगर ये कार्ड आता है तो आपको जाना चाहिए. ऐसे बहुत सारे सवाल हमारी डे टू डे लाइफ में आते हैं जिनका जवाब सिर्फ यस या नो में दिया जाता है. तो उनसे रिलेटेड जितनी भी ये क्वेश्चंस हम पूछेंगे, आप जैसे जैसे कार्ड्स को जानते जाएंगे आपको इनके आंसर्स देना आ जाएगा. फिर स्प्रेड्स में हम इसकी कहानी बनाना सीखते हैं. ओके, ओके, थैंक यू. ओके, नाउ आई विल जस्ट शेयर द डिटेल्स. जैसे आप लोग पूछ रहे थे फॉर कार्ड्स एंड ऑल, तो कार्ड्स के लिए आप लोगों में से जितने लोगों ने अभी तक कनेक्ट नहीं किया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू नीड टू पे द चार्जेस. जैसा कि बताया गया है, कोर्स ये 1 month कोर्स है, वे बाय द क्लासेस वुड बी कंडक्टेड ऑन ट्यूसडेज एंड थर्सडेज. हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी, ट्यूसडे को और थर्सडे को. शाम को 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा आपका सेशन. इस दौरान हम ये क्लास पूरी आगे ले जाएंगे. स्टेप वाइज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कार्ड्स, देन स्प्रेड्स, और फिर इसकी हम रीडिंग के प्रैक्टिकल सेशंस इंक्लूड करेंगे. उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डिटेल जाननी है, So you can contact at the numbers. आप लोगों के पास नंबर है पूनम मैम का भी, राजीव सर का भी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. And you can get the numbers and you can get yourself enrolled. और cards के लिए भी you just need to contact ma'am या sir. Cards वहीं से आप procure कर सकते हैं. So that will also not be an issue. हमारे सेशंस जैसे ये स्टार्ट हुए हैं, बाय द टाइम वी कंप्लीट आपको कार्ड्स भी मिल जाएंगे और आप उससे प्रैक्टिस भी कर पाएंगे. सो दैट इज द सिस्टम हाउ इट वर्क्स. मैम ये सब कुछ हो जाएगा. देखिए राखी जी, अगर मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस लैकिंग है तो उसके लिए आई डोंट माइंड एक्सटेंडिंग क्लासेस. और मैंने पहले भी ऐसा किया है जब मुझे लग रहा था सिजिल्स के केस में भी कि मेरा 8 क्लासेस में नहीं हो पाएगा, तो मैंने सर को बोल दिया था कि आई नीड अनदर क्लास. तो दे डोंट से नो फॉर इट. उन्हें पता है कि अगर वहां पे वो चीज कंप्लीट नहीं हो रही है तो उस वे में काफी कोऑपरेटिव है. एंड दे डू अंडरस्टैंड, क्योंकि मेन मोटो हमारा यही रहता है कि आप सिर्फ यहाँ पे यू आर नॉट ज्वाइनिंग ओनली फॉर द सेक ऑफ रीडिंग और लर्निंग. वो तो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, बहुत सारे पीडीएफ्स हैं. बट अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, सो दैट शुड बी यूटिलाइज टू द ऑप्टिमम. कि आप यहाँ से जाएंगे तो आप कुछ सीख कर जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस कर पाएंगे. ओके मैम, आप सब लोगों को नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार 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 सर. थैंक यू. नमस्कार सर. नमस्कार सब लोगों को. गुड इवनिंग सर. नमस्कार सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. राइट, सो गुड टू सी ऑल ऑफ यू ऑन द क्लास ऑफ द ओशो जैन. एंड थैंक यू शिल्पी जी फॉर कनेक्टिंग द क्लास फॉर ऑल आवर ग्रेट पार्टिसिपेंट्स. एंड कर्सी टू ऑल द टू द शिल्पी जी फॉर इनवाइटिंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑन दिस क्लास. ग्रेट. सो आई थिंक शिल्पी जी का आज का सब्जेक्ट, शिल्पी जी आपने ओशो जैन का सब्जेक्ट अभी और आगे करना है? नहीं सर, आज का जितना था इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में हमने जाना, तो दैट मच आई हैव कवर्ड. अब डिटेल्स शेयर करने थे रिलेटेड टू कहाँ से कार्ड्स मिलेंगे. तो कार्ड्स तो वी विल प्रोवाइड द कार्ड्स. कार्ड्स इज नॉट एन इशू, वी विल प्रोवाइड इट. तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा. अंशु जी नमस्कार, गुड टू सी यू हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म टुडे. थैंक यू. क्योंकि थोड़ा होम फ्रंट पे कुछ काम थे तो मैं सिर्फ सुन रही थी, मैंने वीडियो ऑन नहीं किया था. तो रियली अ नाइस सेशन, बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच अंशु जी. आत्मा नमस्ते. गुड. सो द जर्नी विद दोस हु आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द जर्नी विद स्पेशल टैरो क्लासेस, तो दे आर ऑलरेडी इनटू द ओशो जैन. So no need to do re-registration for them. It's already there. And but then the idea comes from the Shilpi ji ki Osho Zen का subject अब शुरू हो रहा है, which goes for about a month. और जैसा उन्होंने बोला कि practice के लिए हमें जितनी classes चाहिए होगी हम उनका class के साथ practice करके Osho Zen का पूरा कभी करीब महीने का subject रहेगा पूरा ये. And give the opportunity for all those who are ready to learn Osho Zen. तो जिनको सिर्फ Osho Zen ही सीखना था उनका किसी वजह से नहीं हो पाया, तो गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम. तो इसलिए उन्होंने ये आज का डिजाइन किया कि लेट्स एक्सप्लोर इट. एंड जो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, दे आर ऑल आर वार्म वेलकम फॉर ओशो जैन क्लासेस. अबाउट अ मंथ इट विल बी गोइंग ऑन, राइट. एंड द क्लासेस आर टुडे इज राइट, ट्यूसडे इज थर्सडे एंड थर्सडे आर द क्लासेस. 7:30 आर द क्लास टाइमिंग्स. जो लोग एग्जिस्टिंग स्पेशल टैरो बैच में उनको कुछ नहीं करना, दे जस्ट फॉलो इट एंड दे जस्ट कंटिन्यू इट. एंड आई थिंक काफी लोगों के पास ओशो जैन के कार्ड्स आ भी चुके हैं, तो दे जस्ट कंटिन्यू इट. एंड कार्ड्स के विषय में आप जो लोग ज्वाइन करेंगे वो लोग डिटेल ले लीजिएगा, उनको विल शेयर इट. एंड अनदर थिंग इज दैट दिस इज 1 month जर्नी. तो द 1 month जर्नी फीस इज 1579. दोज हु आर ज्वाइनिंग न्यू एंट्रीज, that the fee will be 1579. That you all knows that, and the details are already with you. If anybody do not have the details, they can connect us. We'll share the details. Okay. So yes, the class will start from Osho Zen. Class will start from the next Tuesday. So यस उसके अलावा और भी किसी का फीडबैक कोई भी और कोई बात करना तो आप मुझसे कर सकते हैं या फिर इट्स लाइक those I think most of the participants जो यहाँ पे इस टाइम पे प्लेटफॉर्म है वो तो ऑलरेडी पार्ट ऑफ द जर्नी है. I didn't find कि anybody is not part of journey. मुझे लगा जितने भी यहाँ पे सब part of journey होते हैं. Anybody is not part of journey. Okay sir. Yes sir है sir. Thank you. So they are all welcome from on the in the Osho Zen classes Tuesday onwards. So they can be part of it. They are all welcome. जी. Anything okay, just to since we are here and just to update you that tomorrow we have a those who are interested for Grand Reiki Master course. So tomorrow there is a webinar for Grand Reiki Master. So we all can enjoy the Grand Reiki Master start over. And then another important, very important course which is not find very rarely did by any of the even though very big astrologers. That is a Nakshatra Jyotish. जो लोग ज्योतिष के साथ इंटरेस्टेड है नक्षत्र ज्योतिष स्टार्टिंग दी नक्षत्र ज्योतिष जो मतलब इन माय कैरियर इटसेल्फ आई कैन सी अ वेरी वेरी रेयर नंबर ऑफ टाइम्स पीपल आर डूइंग वर्किंग ऑन दी नक्षत्र ज्योतिष वेरी रेयर. सो वी आर स्टार्टिंग एंड दोज हु डिड दे द फैंसी कॉस्ट एंड वी स्टार्टिंग दी नक्षत्र ज्योतिष ऑन संडे. संडे से नक्षत्र ज्योतिष का वेबिनार रहेगा तो यू कैन एंजॉय द वेबिनार ऑफ नक्षत्र ज्योतिष एंड Vastu advance, Vastu, Astro Vastu, that is doing by me, conducting by me on the from the Saturday. So all are warm welcome for the Astro Vastu. Right. So this is the three subjects is starting this week. Academy है तो subject आते रहेंगे. Next week में फिर कुछ नया आएगा. तो नक्षत्र कब चालू कर रहे हैं? संडे से. संडे से. वेबिनार कब होगा पहला? संडे वेबिनार. कितने बजे होगा सर? वेबिनार है आई थिंक शायद 2 बजे की करीब कुछ है सर 2 o'clock है शायद 2 बजे 2 o'clock है तो उसका टाइमिंग भी 2 o'clock ही रहेगा दोपहर का. हाँ टाइमिंग वही है परमानेंट टाइमिंग भी वही रहेगा. हाँ लंच के साथ नहीं वो परेशानी करेगा तो करने के टाइमिंग का थोड़ा चेंज कर दो शाम का कर दो तो शेड्यूल अवेलेबल नहीं है सर शाम का स्लॉट ही नहीं है अवेलेबल कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है शाम का. अभी हमने ये स्लॉट ऐसे डिजाइन किए कि देयर विल नॉट बी एनी ओवरलैपिंग ऑफ क्लासेस. कितने दिन का रहेगा क्लास? 2 महीने का कोर्स है नक्षत्र का. तब तो बहुत लंबा पड़ जाएगा. और वीक में कितने दिन? सेम पैटर्न 2 days a week. ठीक है देखते हैं चलिए. तो academy is bound to do new subjects for you and we will deliver whatever best we can do that and we will continue to do that and you will find interesting subjects in coming months. Very interesting subjects. Right. So ji anyone would like to say? Shilpi ji, Ashu ji, sir Sumit sir koi question puchna chahte hain? Boli aapki muskat bol rahi hai मैम. अभी आपने बोला था कि एग्जिस्टेंस कार्ड में अगर आप पूछेगा कोई के ट्रैवल के लिए तो यस है तो अभी तो जब ये पढ़ेंगे सीखेंगे तो देखेंगे. मेरे को ट्रैवल रिलेटेड पूछना है तो मैं साईं बाबा कार्ड में कैसे ढूंढूंगा सर? उसमें देखिए साईं बाबा कार्ड्स गाइडेंस कार्ड्स है. आप जैसे साईं बाबा ओरेकल से भी पूछेंगे ट्रैवल रिलेटेड तो उसमें आपको उन लाइंस को इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव बोल रहे हैं इस बारे में. जैसे आप ट्रैवल रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप कार्ड निकालिए एंड जस्ट लेट मी नो कौन सा कार्ड है. अगर अभी आपके पास है जस्ट लेट मी नो एंड देन आई विल लेट यू नो कि ये कैसे कनेक्ट कर रहा है. टुमारो आफ्टर प्रेयर एंड श्योर सर. थैंक यू मैम. And one thing I would like to say to all participants, आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि अब it is high time आप लोग guidance cards निकाल लिए. वो अभी तक किसी का भी नहीं आया ग्रुप पे. Ma'am, actually in this group or another group they said you are not well, so I didn't want to disturb you by putting the picture. Then what I did is I've taken 2 separate A4 sheets. I put a date and I started writing down what are the cards I'm getting and what I'm interpreting. I said that probably I can submit once 4 or 5 days are there because. नहीं सर, you can start sending it. आप लोग भेजिए even if it is weekend time because आप लोग खाली ये नहीं है कि I am there who's looking. आप लोग आपस में भी एक दूसरे के interpretation के through connect करते हैं. So it is why we always say that it is a journey because we all are treading it together. Yes. So we are helping out each other. हम लोग एक साथ grow कर रहे हैं सर. तो आप ग्रो करेंगे, आपके साथ कोई और भी ग्रो कर जाएगा. सो वी आर जस्ट लेंडिंग दैट टू द यूनिवर्स एंड लेट द यूनिवर्स रिवॉर्ड यू बैक देन. ठीक है, आई सेंड इट. मैडम, कपल ऑफ क्लासेस मैंने मिस किए हैं, आप क्या ये रिपीट करेंगे आपका एडवाइस? जी सर. सर मैंने लास्ट सेशन में यही बोला था कि जो भी हमारे साईं बाबा ओरेकल कार्ड्स हैं, आपके पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम स्पिरिट है, इससे आप गाइडेंस फॉर द डे निकालिए. जस्ट शफल द कार्ड्स एंड गाइडेंस फॉर द डे निकाल के, जैसे कुछ मैंने आप लोगों को भेजे थे स्टार्टिंग. द वे यू यूज्ड टू सेंड. यस Yes, sir. So now you start sending so that you are creating that vibration in the universe and let the universe respond to it. Okay. Very good. Yeah. Okay, ma'am. Okay. So let us start practicing it. Right. So, it's almost 9 and the theta is going to start. Those who are the part of theta, they can switch to theta. Theta is already on. So if anyone like to say anything, can share it. And Anshuji or any of our great participants like to share anything, can share. Otherwise. सर एक तो ना सबको ग्रेट पार्टिसिपेंट बोलना छोड़ दो. हम अब आपके स्टूडेंट्स हैं, आप ग्रेट हो, टीचर्स ग्रेट हैं, हम आपके शिष्य हैं बस. अब मैं 2-3 हफ्ते से सुन रहा हूँ ये लफ्ज, मैं सोच शर्म आ रही थी बोलते हुए, बट आज बोल दिया है. ये आपका बड़प्पन है सुमित जी, बट हर ह्यूमन बीइंग, हर इंसान ग्रेट है एंड एवरी सोल इज अ ग्रेट सोल. सुमित जी, इस बात पे मैं जरूर एक चीज ऐड करना चाहूंगी. देखिए, हम कहते हैं आत्मा नमस्ते, तो आत्मा तो सबकी एक ही होती है ना. बिल्कुल मैम, तो सभी में एक ही है. हाँ जी, एनर्जी सोर्स सब है, सबके पास है. बस उनको ये क्या कर रहे हैं कि हम एकेडमी में सर हैं, बाकी जो फैकल्टी उसको बस बाहर लाने का एक छोटा सा प्रयास है. ठीक है, जहाँ इन चीजों को तो हम सब एक ही है. ठीक है, सबकी सोल एक ही है. हाँ जी मैम, we are all great souls. Yes, agreed. We are all great souls. Thank you so much. That is the reason we are all connected. Yes, sir. That is exactly what we are learning from Osho Zen Tarot. Right. Yes, sir. Exactly. Yeah. Very rightly said. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए, आज की क्लास यहाँ समाप्त करने की आप सबसे ज्यादा चाहेंगे. आप सबके अपने समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबके लिए थैंक यू एवरीवन. Thank you. Let's join it and let's do the class from Tuesday onwards. Thank you. Yes. Thank you. Good night, sir. Good night, madam. Thank you. Good night. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you.